खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। वकालत के बाद कभी डीसी बनकर तो कभी पुलिस वाला बनकर लोगों को ठगने वाला वकील गिरफ्तार। मुंबई की रेलवे पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो दिन में कोर्ट में खड़े होकर दूसरे अपराधियों के लिए वकालत करता था और रात को बोरीवली रेलवे स्टेशन पर आकर कभी डीसी बनकर तो कभी पुलिस वाला बनकर यात्रियों को ठगने का काम किया करता था। पुलिस के गिरफ्त में दिख रहा है यह शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक जाना माना वकील है जिसे मुंबई के बोरीवली कोर्ट में लोगों की वकालत करते हुए देखा जाता है और आज उसी कोर्ट में इसका फैसला किया गया। पुलिस ने बताया कि जब हम आरोपी के पास पहुंचे तो उसने अपने आप को पहले पुलिस वाला बताया लेकिन जब उसे वो गिरफ्तार कर जांच किया गया तो पता चला कि वो एक वकील है और बोरीवली कोर्ट में काम करता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कोर्ट में वकालत के बाद प्लेटफॉर्म पर आकर भोली भाली यात्रियों को पुलिस वाला बताकर तथा टीसी बताकर उसे ठगने का काम किया गया था। पकड़े गए 40 वर्षीय आरोपी का नाम मनोज राम किशन साबू है जो बोरीवली पश्चिम के योगी नगर में रहता है। आरोपी वकील को गिरफ्तार करके बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे जेल हिरासत। बोरीवली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे एक हरियाणा से एक व्यक्ति आया था प्रवासी और उसको सुबह कहीं जाना था इसके लिए वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे ही सोया था। तो उसने ये आरोपी ने क्या किया वहाँ पे जाके ये आरोपी वहाँ पे घूम रहा था और देख रहा था कौन उसका टारगेट हो सकता है तो उसने उसको टारगेट कर लिया उसको डराया धमकाया पुलिस से करके बताया और बोला चल मेरे साथ करके ऐसा करके उसको लेके आया वहाँ से लेके उसको प्लेटफॉर्म नंबर वेस्ट की साइड प्लेटफॉर्म नंबर 3 के साइड से वहाँ से लेके गया बाहर से लेके गया बोला चलो हमारे साथ पुलिस थाने तुमको वहाँ साइन करना पड़ेगा हाई अलर्ट है ऐसा करके उसको लेके जा रहा था। उतने में हमारे पुलिस वाले ने उनको पुलिस हमारे स्टाफ को डाउट आया और तुरंत उसको घेर लिया और फिर पुलिस थाने में लाया। जांच पड़ताल अभी चालू है मालूम पड़ता है कि वो पेशे से वकील है। सर कुछ इसके पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिए जी यहाँ इस तरह के वारदात हो चुके हैं वही अभी हम जानकारी ले रहे हैं कि इसने किया है कि किसी और ने किया है।